हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फॉर हाई यूट्यूब चैनल। हाँ मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं आईटेल S23 Plus के बारे में। ये मेरे भाई कब तक आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ इसकी प्राइसिंग निकल के आई है, इस स्पेसिफिकेशन बहुत ही फाड़ू है। वीडियो कल तक देखना, चैनल पर भी बार सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे भाई इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले, 6.78 इंचेस का कर्व एमोलेड डिस्प्ले प्लस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे भी आपको डायनामिक आइसलैंड वाला फीचर देखने के लिए मिलता है, जो आईफोन जैसा आपको लुक देखने के लिए मिलेगा आगे से। हाँ मेरे भाई, तो डिस्प्ले आपको नो डाउट अच्छी देखने के लिए मिलती है। 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा जो पंचोल कटआउट के साथ में आता है, नो डाउट मेरे भाई डिस्प्ले जो देखने के अंदर लग रहा है काफ़ी अच्छी लग रही है। 5000 mAh का बिग बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग के साथ में आता है मेरे भाई। यहाँ पे जो है फास्ट चार्जर दे देना चाहिए था, बट जो मेरे भाई इसकी प्राइसिंग है इसके हिसाब से काफ़ी सही है। डुअल कैमरा सेटअप है, बैक में 50 मेगापिक्सल का मेन है और यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे भाई कि अल्ट्रा वाइड ऑप्टिमाइजेशन करके 50 मेगापिक्सल के अंदर से आपको अल्ट्रा वाइड भी देखने के लिए मिलेगी। तो देखा जाए तो एक कैमरा इसे स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलता है और एक फ्लैश। प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर निकल के आता है यूनिस्कोर T6016 वाला। हाँ प्रोसेसर नो डाउट मेरे भाई ओल्ड है, हाँ बट प्राइसिंग के हिसाब से ये भी सही है मेरे भाई। आपको मैं बताऊँ इसकी प्राइसिंग जो निकल के काफ़ी एग्रेसिव है। हाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। एमोलेड स्क्रीन है, कर्व डिस्प्ले है। हाँ चाइना के अंदर ही आया मेरे भाई $120, अगर हम उसे कन्वर्ट करें तो इंडियन करेंसी में बनते हैं ये 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के अंदर इतना अच्छा पैकेज है मेरे भाई। हाँ हेवी टास्किंग आप इसमें नहीं कर सकते, जो प्रोसेसर है मेरे भाई उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो मेरे भाई आप गेमिंग वगैरह मत करना, ऐसा सोचो भी मत, अगर आप गेमिंग पे साथ में जा रहे तो ये फ़ोन के साथ में मत जाओ। फिर इन्फिनिक्स GT 10 Pro काफ़ी खतरनाक सी स्मार्टफोन है मेरे भाई, प्राइसिंग के हिसाब से किलर स्पेसिफिकेशन है। अगर आपने वो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में देता हूँ लिंक, आई बटन में भी लगा दूंगा, तो चेकआउट कर लेना मेरे भाइयों। हाँ ये फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको लुक और डिज़ाइन दिखाना है सिर्फ, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, फिर कर्व डिस्प्ले के मज़े लेने हैं अंडर 10,000 के, तो ये फिर आप चेक कर सकते हो। चाइना के अंदर तो ये मेरे भाई आ चुके हैं, इंडिया में आते आते से टाइम लगेगा, और ये इंडिया में आएगा तो 1-2 हज़ार रुपये इसके प्लस, आप समझो 11-12 हज़ार रुपये के अंदर भी ये फ़ोन मेरे भाई अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा इसकी प्राइसिंग निकल गई, मैं आपके लिए एक वीडियो बताऊंगा जब ये इंडिया मार्केट में आएगा, ये फ़ोन आपको परचेस करना है या फिर नहीं। तो वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।